हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के नए वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों अपने सैमसंग कीपैड वाले मोबाइल में आप अपने मोबाइल के स्क्रीन टाइम आउट को चेंज करोगे। दोस्तों, अपने स्क्रीन टाइम आउट को आप चेंज करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आपको अपने सैमसंग कीपैड वाले मोबाइल में क्या करना है स्क्रीन टाइम आउट को चेंज करने के लिए। दोस्तों, आपको अपने सैमसंग कीपैड वाले मोबाइल में पहले आपको अपने मेन्यू बटन पर टैप कर देना है। मेन्यू बटन पर टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सैमसंग कीपैड वाले मोबाइल में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, आपको अपने सैमसंग कीपैड वाले मोबाइल में आपको अपने सेटिंग वाले आइकन पर आने के बाद आपको अपने सेलेक्ट वाले बटन पर, मतलब इसमें इस लेफ्ट वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। दोस्तों, आपको अपने फ़ोन में प्रोफाइल सेटिंग को, डिस्प्ले सेटिंग को, डेट एंड टाइम को यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो अपने सैमसंग कीपैड वाले मोबाइल में। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको अपने डिस्प्ले सेटिंग में आना है। डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। इसी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों वॉलपेपर थीम को यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। वॉलपेपर अपने डिवाइस में आप यहाँ पर सेट कर सकते हो और थीम को यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये शॉर्टकट सेटिंग है, पहले आपको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर आप अपने टूल बार शॉर्टकट टूल बार सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, क्लॉक सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अपने क्लॉक स्टाइल को हम यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। डुअल क्लॉक को भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। दोस्तों, अपने फ़ोन अगर आप ब्राइटनेस को चेंज करना चाहते हो, ब्राइटनेस लेवल को चेंज करोगे तो यहाँ पर अपने ब्राइटनेस लेवल को आप चेंज करके सेव कर देना। दोस्तों, बैक लाइट टाइम यहाँ पर आपको शो हो जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आपको अपने बैक लाइट वाले पे टाइम सेटिंग को सेलेक्ट करके ओके कर देना है। दोस्तों, ये आपके फ़ोन का यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट है, 10 सेकंड से लेके आप 10 मिनट तक का सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दोस्तों, अभी मैं एग्जांपल के लिए अगर 10 सेकंड पे सेलेक्ट करके अगर आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो। दोस्तों, 10 सेकंड के बाद दोस्तों आपके जो सैमसंग कीपैड मोबाइल की स्क्रीन है ये ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको बस थोड़ा सा वेट करना है, आप देख सकते हो। दोस्तों, 10 सेकंड के बाद आपके फ़ोन में स्क्रीन ये ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अपने स्क्रीन टाइम आउट को अपने सैमसंग कीपैड मोबाइल में आप चेंज कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके हो सैमसंग कीपैड वाले मोबाइल में स्क्रीन टाइम आउट को कैसे चेंज कर सकते हैं हम।